रोहित शेट्टी की लेटेस्ट धमाका फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और ऑडियंस भी इस फिल्म को लेकर ढेर सारी एक्साइटमेंट के साथ थिएटर्स में खिंच रही है। इस मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे पुराने फेवरेट कॉप्स तो वापस आए ही, लेकिन इस फिल्म की हाईलाइट रही दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या दीपिका को लेकर कोई सोलो कॉप फिल्म बनेगी। वेल, ऐसे में जब रोहित शेट्टी से इस बारे में जूम ने सवाल किया तो उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्लियरली हिंट दिया कि लेडी सिंघम को लेकर एक सोलो फिल्म बनेगी। सूर्यवंशी 2 या दीपिकाज मूवी विल टेक टाइम बिकॉज़ यू नो एटलीस्ट अ ईयर यू हैव टू गिव अ ईयर टू ऑल दीस थिंग्स एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज़ देन जब आएंगे तो फिर वो लंबे ट्रैक्स है सबके, सो फिर वो 2-3 साल उसी में वापस निकलेगा। फेयर एनफ। So we need to give a break to the audience and to us also. बिल्कुल। Well, दीपिका के रोल को काफी पसंद किया जा रहा है सिंघम अगेन में और जाहिर तौर पर इस अनाउंसमेंट से उनके फैंस काफी एक्साइटेड भी हो गए हैं। आपको बता दे कि इस फिल्म में दीपिका के लेडी सिंघम यानी शक्ति शेट्टी के कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया है। हालांकि रोहित शेट्टी ने भी बताया कि इस तरह की एक्शन पैक्ड फिल्म बनने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। You have to give a year to all these things, and then obviously because then जब आएंगे तो फिर वो लंबे tracks हैं सबके, so फिर वो 2-3 साल उसी में वापस निकलेगा। Fair enough. So we need to give a break to the audience and to us also. बिल्कुल। तो बस अब इंतजार है लेडी सिंघम की full-fledged धमाकेदार फिल्म का।